माउली जय गजानन। गुड मॉर्निंग यारो, आज जो है आज महीने का आखिरी दिन है, 30 तारीख है, और आज थोड़ा स्पेशल दिन है क्योंकि अपन जा रहे ले शेगांव। सूरज भाऊ भी है, सूरज भाऊ क्या बोलते? सूरज भाऊ कैसे कैसे बोलते, किधर जा रहे? अपन जा रहे शेगांव, मालूम है ट्रेन से जा रहे अपन। कौन से ट्रेन से जा रहे भाई? जोधपुर एक्सप्रेस से जा रहे हैं। रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं हुआ है? रिजर्वेशन वो तो अतुल भाव ने एसी का रिजर्वेशन किया ना। तो जाते हैं, माहौल करते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ पूरा माहौल कर देंगे, पूरा माहौल मिटेंगे। अप्रैल महीना है यार, और बारिश तो ऐसी आ रही, जैसी बारिश का मौसम है। और इधर में कुछ काका आप दिखा रहे थे, काका सूरज भाव ना, सूरज भाव ना हवा विकत घेतली होती, थोडेसे चिप्स भेटले त्याच्यात, है की नाही सूरज भाई? हवा ये भाई ने खाई, सूरज भाई ने चिप्स खाए। ये क्या बात है यार, सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। वो क्या है यारो, स्लीपर की टिकट अपने को मिली नहीं, तो स्टैंडिंग की टिकट पे जा रहे हैं। ट्रेन तो छूट गई है, अतुल भाव कंफर्टेबल? यस। ओके, ये स्टैंडिंग के टिकट ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? स्टैंडिंग वाली टिकट बोला, ऑनलाइन अवेलेबल है। संडास माहौल है यार, बाकी ये तो वैसा ही है जैसा रहता है, संडास क्लीन है, ये अच्छी बात है। बिस्कुट खाओगे क्या यार? सिटिंग में मिल गई क्या? सिटिंग आ गई क्या? मिल गई। स्टैंडिंग की टिकट निकाल के सिटिंग में बैठे अपन। स्टैंडिंग का टिकट निकालो, वो हमने ना वो सस्ती टिकट निकाले, महंगे डब्बे में घुस गए। कौन है? कैसा फिर प्रोसीजर क्या है? बस रहती क्या? इथून मराठी की चाले ना, तू पाह भाऊ मराठी हिंदी मराठी में मराठी। सरळ स्टेशनवर गेले की उतरल्याबरोबर मंदिरच्या बसेस आहेत, हां, आणि त्या विनामूल्य असतात। अच्छा, म्हणजे सेवा भक्तांसाठी विनामूल्य असतात। हां, त्याच्यासाठी आपल्याला कसं पळत पळत जायचं आहे, जाऊन जागा पकडायची, लगेच पळत पळत गेलं जागा मिळू शकतो। तर हे आपल्याला गाईड करणार आहे आता, कुठून जायचं कसं जायचं। अतुल भाऊ का नाही? अतुल भाऊ यांना थोडा, हां, हे आमचे मित्र आहे शेगावचे, तर हे यांनी आम्हाला गाईड केलं आहे कसं जायचं, तर त्यानुसार आम्ही आता तिकडे मार्गक्रमण करू, प्रस्थान करू। माऊली जय गजानन, जय गजानन। शेगाव को तो पहुंच गए, वो क्या है अभी बस पकड़ने के लिए थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं, अब भी जस्ट उतरे। भाऊ बोले फट से जाके बस पकड़ लो, जगू मिल जाएंगी, देखते जगू मिलती क्या। तो पर अपन कैसे अभी आ तो गए, लेकिन आने की उतनी टेंशन नहीं था। अभी देखो लोग आ रहे इधर से, अभी फट से ये बस जो है फिलहाल तो पूरी खाली है, भरी कि अपन निकलेंगे, है कि नहीं? पहले आगे अपन ने जगह पकड़ ली है यारो, भर गई बस, सिर्फ दो मिनट भी नहीं, एक मिनट में बस भर गई, यही तो बात देखी जाती है। मंदिर में आ गए यारो, इधर को फुल पार्किंग है। अतुल भाई अपन अगर आए रहते तो इधर को अपने को गाड़ी लगाना पड़ता है, यही तो बात देखी, क्योंकि भाई यही तो बात देखी जाती है। शेगाव यार, शेगाव कचोरी नहीं खाए तो कुछ नहीं किया, क्योंकि भाई यही तो बात देखी जाती है। इधर को फुल जूते चपला निकालने का है यारो, अतुल भाऊ जा रहे इधर, थैली देखते क्या है, तो थैली है कि क्या है, अपन भी निकाल के रख देते यारो। पहनने तो इधर को आके पहन सकते यारो, ये अपने को पसंद आया, ये यूनिक था। बैग रखने की भी व्यवस्था है, सूरज भाऊ के साथ अपन बैग रखने को आए, है कि नहीं सूरज भाई? ये अपने को एक स्लिप मिली है यारो, तो ये स्लिप मेरे को लगता है एक वो रखेंगे, एक अपन अपने को वापस रखेंगे। चला माउली जय गजानन।
देखो यार, एक उन्हें रखे एक अपने को दिए। अभी दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं यारो, और जो प्रिडिक्शन है वो लाइन चल रही है। दर्शन के लिए लगे हैं लाइन में और एक घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा ऐसा प्रिडिक्ट किया है। तो वहाँ पे जो है एक चीज़ अच्छी है, वहाँ पे स्क्रीन लगा दी है कि वहाँ पे पहले ही बता देते कि अपने को जो है इतना इतना टाइम रुकना पड़ेगा। अपने को अभी एक घंटे का टाइम दिया है। आज संडे होने के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा है यारो। ये ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट है यारो, जैसे कोई बैठने को आता ना ऐसे पाव डाल देने का। बड़ा हरामी हो बेटा। पियेंगे यारो चाय। ए हिम्मा माझे साठी घे ना एक। टेस्ट अमेजिंग, माहौल टेस्ट है। चाय कैसी लगी? एकदम जॉर्ड भाई, किर्राक ना किर्राक किर्राक बोला जब से, इतनी मस्त लगी उसको। दो ग्लास लिए हमने, एक ग्लास भी खा रहा है बेचारा। लगभग एक घंटे से अपन यहाँ पे लाइन में लगे थे यारो, अभी फाइनली ऊपर जा रहे इधर को। और ये जो लोग अभी आ रहे ना, इनको डेढ़ घंटा आराम से लगने वाला है कि नहीं अम्मा? मौली जाएगा जानन। मौली इधर को ऐसा हॉल है, अपन थाली रख के इधर को हाथ धोने को आए थे। सूरज बाबू अपने हाथ धो रहे, थाली रेडी है यारो। हिम्मा आराम न उदे। खाना हो गया यारो? कैसी था खाना अतुल भाई? स्वादिष्ट था, बढ़िया था। ओके, यही तो बात देखी जाती है यारो। कुछ हो गया, दर्शन हुआ, खाना हो गया। नाइस, इट वाज नाइस एक्सपीरियंस यारो। डन विथ एवरीथिंग। कैसा लगा सूरज भाई? अरे भाई मस्त, उधर का खाना और उधर के लड्डू जबरदस्त, एकदम स्वीट। लाइन में लगना पड़ा अपना, खाया मीठी मीठी बातें करने ही लगा अतुल भाई अपना। अतुल भाई, अतुल भाई ये लड्डू कैसा लगा आपको? हां ये तो बात देखी जाती है ना। अरे यार पलाश भाई, आप क्या बोलना चाहोगे? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, नए दोस्त मिले, मेरे दोस्तों के साथ बढ़िया रहा। लाइन में मजा आया, लाइन में लगने के लिए रहा तो फिर हां काय के लिए रो रहा? कौन रो रहा है? सूरज। अरे बच्चा नहीं सुधरेगा, वही तो बात देखी जाती है पलाश भाई। इसका तब से रोना था, DSLR से फोटो नहीं निकाला। अभी उसकी अभी अभी सूरज भाई की इच्छा पूरी कर देंगे अपन। DSLR से फोटो निकाल के सूरज भाई की इच्छा पूरी कर देंगे। अतुल भाव के लिए नया मॉडल आ गया यारो। आहा यारो, ट्रेन में बैठे देखो, रुको दिखा था इधर को देखो तो फोटो काटना रहा खूब बने कुछ काटवा बने फोटो साली। फुल फुल छपरी ट्रेन है साली, इतनी भीड़ मां किया और फुल लोकल ले देखो। तो फाइनली सीट मिल गई है कि नहीं? कैसी लग रही सीट पलाश भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पानी भी खत्म हो गया है, पूरी गरीबी आ गई यहाँ पे, हालांकि पूरा बिकार वाला हो गया। अतुल भाव, हाँ अब भी मजा आया। हाँ भाई अभी आया मजा थी, और रिजर्वेशन, अभी रिजर्वेशन की सीट मिल गई अपने। अभी अपन बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो गए भाई। मजा हो रहा है, ये तो बात देखी जाती है यार। गजानन महाराज की जय। सफर